हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अबी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे टुडे इन हिस्ट्री ऑन दिस डे 10 अगस्त आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं आज का दिन है 10 अगस्त जिसका भी बर्थडे है जिन भी बच्चों का हैप्पी बर्थडे टू यू आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए टेन अगस्त को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं कौन से इंपॉर्टेंट बर्थडेज हैं और कौन से इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे तो आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे तो शेयरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरी दुनिया में कि हमें उनका कंजर्वेशन करना है उनको बचा करके रखना है वर्ल्ड लाइन डे आज 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी आज के दिन ही मनाया जाता है बायोफ्यूल देखिए हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ईंधन इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल डीजल सी है ना इन सब का इस्तेमाल करते हैं ये एग्जॉस्टेबल है यानी कि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे इसलिए हम लोगों को बायोफ्यूल्स की तरफ जाना चाहिए जो कि रिन्यूएबल होते हैं बायोफ्यूल जैसे कि जो इथेनॉल होता है जो हम लोग वनस्पति से बना सकते हैं यानी कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है गोबर गैस जैसी की होगी उससे बना सकते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए कि हम बायोफ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें वो पोल्यूशन भी कम करते हैं तो आज बायोफ्यूल डे मनाया जाता है दस अगस्त को 1675 में फाउंडेशन स्टोन फॉर रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीन विच इज लेड प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू इट तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स होते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं हमारी अर्थ होती है इस तरीके से देखिए ये हमारी अर्थ है राइट right? और ऐसे करके हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस तरीके से हमारे जो है लैटिट्यूड जाते हैं और ऐसे ऐसे करके हमारे लॉन्गिट्यूड जाते हैं तो ये जो ग्रीनविज का यहाँ पर ना ग्रीनविच पड़ती है बीचो बीच उसको हम लोग जीरो डिग्री का लॉन्गीड मानते हैं तो ग्रीनविच मरीडियन जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि हम लोग मानते हैं वो उसको जो बनाया गया था उसकी जो फाउंडेशन ये देखिए इमेजनरी लाइन्स है हम लोगों ने मान लिया है कि इस तरीके के अर्थ की लाइन्स हैं अर्थ पर और मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट एक नहीं करती हैं इमेजनरी हैं ताकि हम लोग डिस्टेंस वग़ैरह टाइम वगैरह इससे ईजिली मेजर कर पाते हैं पूरी दुनिया में तो सिक्सटीन में प्राइम मेरिडियन जो है इसकी जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है ग्रीनविच की ऑब्जर्वेटरी उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी आज ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी आज के दिन दस अगस्त सिक्सटीन को 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल फॉर्ट बिटवीन त्रावणकोर एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच वर डिफीटेड तो त्रावणकोर जो कि आज का केरल वाला रीजन है वहाँ पर वहाँ के राजा त्रावणकोर के राजा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि अंग्रेज थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसे ही डच जो नैदरलैंड वाले हैं यूरोपियन यूरोप का देश है वहाँ पर जो नेदरलैंड वाला रीजन है तो उन लोग मतलब जैसे डच कहते हैं तो इनके बीच में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर के राजा के बीच में लड़ाई हुई थी 1741 में और त्रावणकोर के राजा ने उनको हरा दिया था और देश से बाहर निकाल दिया था 1914 में आज ही के दिन फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी इन वर्ल्ड वॉर वन तो वर्ल्ड वॉर वन जो थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की वो फ्रांस ने उस पर डिक्लेयर कर दी थी वॉर तो आज अगस्त में ही 1941 की काफ़ी सारी वॉर्स डिक्लेयर हुई थी फेमस बर्थडेज देखें तो शबीर आलू वालिया जो कि कुमकुम भाग्य में लीड हैं जो रॉक स्टार उनका आज बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो हम रमेश बाबू ये जो है इंडियन चेस के ग्रैंड मास्टर रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी टेन अगस्त की लाइन डे और बायोफ्यूल डे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल डेज जो होते हैं वो भी हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो डेली हम इनको भी कवर करते हैं इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू